कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म धमाका की सफलता की वजह से सातवें आसमान पर हैं। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें कार्तिक ने अपने परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया है। एक्टर के अभिनय कौशल की दर्शकों ने जमकर तारीफ की है। हालांकि कार्तिक के लिए पिछला साल उतना आसान नहीं था, क्योंकि विवादों में उनका नाम घसीटा गया था। कार्तिक ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये कहा है कि उनके खिलाफ इतनी सारी नेगेटिव खबरें लिखी गई कि उन्हें इन चीजों से डर नहीं लगता है। साल 2021 में कार्तिक फिल्म दोस्ताना 2 से निकाले जाने की वजह से चर्चा में रहे थे, जबकि वे फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग कर चुके थे। फिल्म दोस्ताना 2 के प्रोड्यूसर करण जौहर के साथ उनके अनबन की खबरें सामने आई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्हें दूसरी फिल्मों से भी रिप्लेस किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने इन नेगेटिव खबरों को लेकर कहा है कि अब उन पर इन खबरों का असर नहीं पड़ता है। कार्तिक कहते हैं, पहले मुझे बुरा लगता था, मुझे अपने परिवार का सामना करना था, शायद वे संदेह करने लग जाएं या फिर चिंतित होने लगे या फिर वो अपना स्ट्रेस मुझसे शेयर न करते हों, मुझे यह सब महसूस होता था। लेकिन अब मेरे बारे में इतनी कहानियां हैं कि अब मुझे कोई डर नहीं लगता। वास्तव में अब मैं इन सब पर हंसता हूँ और यह मुझे प्रेरित करता है।